जगत हो, राजनीति हो या क्षेत्र हो व्यापार, जुर्म फरेब की हर गली से गुजरे जो कह के खबरदार, झूठ का पर्दाफाश करेगा सच का पहरेदार, हर तरह की खबरें लेकर पेश है मुंबई रफ्तार। नमस्कार, मैं हूं सैयद शादमा और आप देख रहे हैं मुंबई रफ्तार न्यूज। Thank you.
कहानी है इस आदमी के बारे में। पहले तो ईद मुबारक मेरी जान। तो ये बहुत बड़े सोशल वर्कर भी है माशाल्लाह। दिल्ली की एक फैमिली थी याद है वो, जिनका घर किसी ने छीन लिया था। तो हम दोनों यहाँ से खुद का पैसा खर्चा करके वहाँ जाके 5 दिन दुख के उनकी हेल्प कर रहे थे दोनों। मालूम पड़ा दोनों भाई मिल गए, हम लोग को वापस आना पड़ा। सो इज़ अ वेरी गुड गाय एंड हम लोग बहुत पुराने दोस्त थे माशाल्लाह। और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और अच्छे काम इनको करते रहना चाहिए।
एंड दैट्स व्हाट एजाज भाई का भी अल्लाह के बंदे एनजीओ जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं एनजीओ बट भाई यही तो आखिरत है एंड दैट दिस इज व्हाट आई हैव टू डू ईद मुबारक टू एवरीबॉडी एंड ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच लव यू मैन बाय थैंक यू यार इस पे कोई रिएक्शन ही नहीं होना चाहिए इस पे सिर्फ एक्शन होना चाहिए क्योंकि ट्विंकल शर्मा आसिफा निर्भया ये सब हमारी बहनें हैं और हथियारों का कोई धर्म नहीं होता इसको धर्म से ना जोड़ा जाए कि इसको टीके से और टोपी से ना जोड़ा जाए इसको हिंदू मुसलमान से ना जोड़ा जाए इसमें फास्ट ट्रैक में तुरंत एक्शन लिया जाए और हथियारों को फांसी होनी चाहिए इसमें नहीं तो ये करते रहेंगे और इस तरह से हमारी बहू बेटियाँ हमारी बहनें अनसेफ रहेगी हिंदुस्तान में तो हमारी नरेंद्र मोदी जी से ये रिक्वेस्ट है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर दैट फास्ट ट्रैक कोर्ट में आप इन लोगों को फांसी दीजिए ताकि ये लोग आगे जाके डरे वरना इस तरह से निर्भया फिर आसिफा फिर कोई फिर ट्विंकल ये होता ही रहेगा इसके अलावा सोशल मीडिया पे इसी मुद्दे को लेकर हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे यार मैं आप लोगों से ये मैसेज देना चाहूँगा कि हिंदू मुसलमान से उठकर आप इंसान बन जाइए क्योंकि अगर अल्लाह ना करे आपकी बहन या आपकी बेटी या आपकी बच्ची के साथ ये होगा आपका घर जलेगा तो आपको पता चलेगा तो ये सबसे उठ जाइए भाई हिंदुस्तान में अब और बहुत सारे मसले हैं हिंदू मुसलमान से ज़्यादा बड़े बड़े रोज़ी रोज़गार के नौकरी के ये रेप के ये सब मुद्दे बहुत बड़े हैं हम यही डिमांड करते हैं कि वो किसी भी धर्म के हो उन्हें फांसी होनी चाहिए मैं भी इनकी बात से सहमत हूँ और एजाज भाई ने जो आवाज़ उठाई है और इसमें जो दोषी है उनको सज़ा मिलनी चाहिए जैसे इन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाए और सज़ा जल्द से जल्द मिलनी चाहिए और हम इस बात के आवाज़ उठा रहे हैं और मोदी जी को समझना चाहिए और इस पर जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए कोर्ट को भी और इनको फांसी जल्द से जल्द होनी चाहिए हमेशा कोर्ट में फैसला जल्द से हो जाए क्योंकि फांसी होगी तो और ऐसे दरिंदे ये भाग जाएंगे ऐसा काम गलत करेंगे थैंक यू ईद का मुबारक मौका है और इस मौके पर ये दो सुपरस्टार मेरे साथ में हैं और इन्होंने दुआ कर दी है कि इंडिया जीतने वाला है इंडिया जीतेगा मगर भारत हार गया सलमान भाई भारत हार गया इंडिया जीतेगा एहसान जी के साथ जश्न मनाने वाले यहाँ पर इंडिया की जीत के लिए अपने भारत फिल्म बनाई आप इंडिया मत बना देना थैंक यू ओके ऑल द बेस्ट मैं तो समझता हूँ कि कानून मंत्री को रक्षा मंत्री को गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री को और हम सबको मिलकर ऐसा कानून बनाना चाहिए कि अगर साबित हो जाता है कि इस बंदे ने ऐसा कुकर्म किया है तो उसे बाकायदा सरेआम चौराहे पे पूरे मीडिया के सामने पूरी जनता के सामने वो सज़ा दी जाए वैसा कुकर्म किया उसके जैसा उसने किया है जो तकलीफ लोगों जो बच्ची को दी है वही तकलीफ उसको देनी चाहिए और वही मौत उसको देनी चाहिए मैं 30 दिन तो बहुत ज़्यादा हुआ तो 3 घंटे के अंदर अगर पकड़ा जाए और साबित हो जाए किसी ने ऐसा किया है तुरंत फांसी दे दो तुरंत उसको गोली मार दो उल्टा लटका के रख दो छोड़ दो कुछ करना नहीं उसको उल्टा लटका के छोड़ दो और टिकट लगा दो देखो यही बंदा है देखो इसको सीखो ट्रप ट्रप के घुट घुट के मरेगा उसको उसका वो हाल देख कर उसका वो हाशिर देख के कोई भी ऐसा गलत काम करने की कोशिश भी नहीं करेगा अच्छी बात है शिव की सेना प्रभु राम के द्वारे जा रही है तो अच्छी बात है तो शिवसेना तो खैर अभी बहुत कंफर्टेबल हो गई वैसे भी वो राम के द्वारे तो दोस्ती हो ही गई है तो शिव राम मैं इस कंपनी इस एसोसिएशन का नाम लूँगा शिव राम आप सभी को हाथ जोड़ के ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको मेरी तरफ से और हमारी आने वाली फिल्म बिग बॉस की तरफ से बहुत सारी ईद की शुभकामनाएं मालिक करे कि आप सब क्लिक करें
साल भर कोई ना तकलीफ करे। भारत फिल्म रिलीज हुई है, कैसी लगी? बहुत बोरिंग फिल्म। फसल का नाम भारत पाकिस्तान दोनों साथ में। इतनी बोरिंग फिल्म सलमान भाई, मेरे पैसे वापस करो। बिग बॉस जो है टाइम पास फिल्म है, कॉमेडी फिल्म है, कॉमेडी फिल्म है, आप जरूर देखेंगे। एक विग पहनने वाली की कहानी है, तो मजा आएगा आपको। और भारत आज हम लोग सब इतनी दूर से टाउन से, जब सबको मालूम है कि जूह तारा रोड बंद है, तभी लोग आ रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि एहसान रेहान के लिए कितना प्यार है सबको, एहसान रेहान को लोग कितना मानते हैं कि आज उनके ईद मिलन में सब लोग शामिल हो रहे हैं। मैं सबको ईद की दुआएं देना चाहूँगी, मुबारक देना चाहूँगी, और मैं चाहूँगी कि जो अमन चैन की भाषा है वो हम समझें, और सिर्फ ईद का जो मतलब है कि ईद का चांद देख के ईद मनाई जाती है, तो एक वो जो एक सद्भावना और प्रेम है, वो सब भाईचारे की भावना जो है वो सब समुदाय में बनी रहे, और देश के नेता जो लोगों को अलग करना चाह रहे हैं उसमें वो सफल ना हो सके। देखिए, जो 2.5 साल की बच्ची के साथ हादसा हुआ है, जिस तरह जिस बर्बरता से उसको मारा गया, जिस तरह से उसको जो सलूक उसके साथ किया, उससे पूरा देश दुखी है, देश ही नहीं पूरा विश्व दुखी है। लोग विश्वास नहीं कर सकते कि इंसान के रूप में ऐसे हैवान इस धरती पे रहते हैं, और मुझे लगता है कि जब उस बच्ची के माँ बाप पुलिस स्टेशन गए FIR करने, उस वक्त पुलिस वालों ने FIR नहीं लिखी, उन्होंने उनको वापस भेज दिया और कहा जाके तुम खुद ढूंढो, वो गलत था। क्योंकि निर्भया के केस के बाद जो नया कानून आया, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, उसमें 166A करके एक धारा लाई गई थी कि अगर कोई पुलिस अफसर महिलाओं के बच्चियों के प्रति हुए क्राइम में अगर FIR नहीं लिखता तो उसके ऊपर भी काउंटर FIR किया जा सकता है, जिसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। मैं चाहूंगी वो पुलिस अधिकारी, पुलिस के लोग जिन्होंने FIR नहीं लिखी, अगर वो सही समय पे बच्चे को ढूंढने निकलते तो मुझे लगता है शायद वो बच्ची जिंदा भी मिल सकती थी, क्योंकि वो सिर्फ 400 गज दूर पे किडनैप करके रखी गई थी। तो उन पुलिस वाले अधिकारियों को डिसमिस किया जाए, कड़ा से कड़े सजा रेपिस्ट को, रेप का तो अभी चार्ज नहीं पता चला है, लेकिन जिन्होंने इस तरह की उसकी हत्या की उनको जो है फांसी की सजा दी जाए। हालांकि दुख इस बात का है कि निर्भया के रेपिस्ट, आज तक उनको फांसी देने के बाद भी फांसी का अमल नहीं किया गया। हम रेपिस्ट की मर्सी पिटीशन का ध्यान देते हैं, लेकिन वो बच्चियां जिनको इस तरह से मौत की घाट उतार दिया जाता है, उनकी ह्यूमन राइट्स की चिंता हम नहीं करते। मैं चाहूंगी कि कानून तो सख्त है, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, कानून इस वजह से इस तरह से क्राइम बढ़ रहा है। तो जरूरी है कि कन्विक्शन रेट 100% हो, अगर कोई रेपिस्ट है, मर्डरर है, तो उसको सजा मिले, ये ना हो कि वो बड़े वकील लगा के और दांव पेच खेल के इतना बड़ा जुर्म करके निकल जाए। इसी वजह से आज बच्चियां इस देश में सेफ नहीं है। कल मुंबई में मोर्चा निकाला गया था और लोगों की मांग थी कि दोषियों को जो है वो 30 दिनों के अंदर फांसी होनी चाहिए। इस तरह का कानून जो है वो प्रधानमंत्री ने बहुत सारी रिक्वेस्ट की कि कानून इस तरह से बनाना चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश में एक घटना में 3 दिन के अंदर जज ने बैठ के ट्रायल करके 30 दिन के अंदर फांसी की सज़ा सुनाई, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब यही है कि उसको जो है तुरंत के तुरंत महीने भर में एक सिटिंग में हो, और मध्य प्रदेश में अगर ऐसा हो सकता है तो बाकी जगह भी किया जाए। लेकिन जो मैंने पहले कहा कि निर्भया में भी फांसी की सज़ा हुए 2 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, ये जो इतने स्टेजेस में जाता है उस वजह से वो इंप्लीमेंट नहीं होता। इस वक्त जो देश का कानून है उसमें 30 दिन में फांसी की सजा सुनाई जा सकती है अगर पुलिस सारे पेपर्स रिकॉर्ड करके ट्रायल पे वो केस आ जाए। लेकिन मैं चाहूंगी कि फांसी होने के बाद जो मर्सी पिटीशन तक का समय है उसको भी 30 दिन में खत्म किया जाए, 30 दिन में डिसाइड किया जाए, ताकि जो रेपिस्ट हैं, जो इस तरह के मर्डरर्स हैं, जो समाज के दुश्मन हैं, उनको हम जल्दी से जल्दी सजा सुना सके। भारत एक डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में हमने कसाब को भी वकील दिया था, तो इसलिए बिना वकील के, बिना ट्रायल के हमारे यहाँ सजा नहीं हो सकती, उसका फायदा इस तरह के लोग उठाते हैं। एहसान मेरे छोटे भाई है,
और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है कि ये ऐसे मौक़ों के ऊपर कम्युनिटी को पूरा जमा करके सेलिब्रेट करने की कभी वो पीछे नहीं हटते। एंड मैं दिल से मुबारकबाद देता हूँ एहसान को और सारे ऑर्गेनाइजर्स को, सारे स्पॉन्सर्स को, कि ऐसे मौके के ऊपर गेट टुगेदर रख के एक मैसेज पहुँचाते हैं कि ईद की सेलिब्रेशन के अंदर बेसिकली सेलिब्रेशन किसी एक कम्युनिटी का नहीं है, इट्स बेसिकली ए सेलिब्रेशन बाय एवरी मेम्बर इन द सोसाइटी। और ये जो स्पिरिट है, इस स्पिरिट को कंटिन्यू करना चाहिए और रेगुलरली मैं देखते आ रहा हूँ कि एहसान जो है वो इस स्पिरिट के अंदर बहुत ही डीपली इन्वॉल्व है। मेरी सारी दुआएं, मेरी बेस्ट विशेस एहसान के साथ में हर वक्त रही हैं और आगे भी रही। आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद एंड मे गॉड ब्लेस ऑल। थैंक यू। मैं उम्रा पे था कम से कम 10-15 दिन, इसलिए इस बार सहरी नहीं भी, इंशाल्लाह बकरी ईद साथ में बनाएंगे। वो हर साल ऐसे कार्यक्रम करते हैं, लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा था, सबसे मिलना हो जाता है और इस बार भी आए हैं, तो एज एवरी ईयर आई एम सो थैंकफुल टू हिम टू बी हियर। और उन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पे पूरा ऑर्गेनाइज कर रखा है हम सब के लिए, ईद पार्टी के लिए मैं एहसान रेहान जी को ईद की शुभकामनाएं देना चाहूँगी और उन्होंने मुझे पार्टी में बुलाया, मुझे बहुत खुशी हुई और ईद की पार्टी में यमी यमी भोजन खाना लाइक मटन चिकन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ी देर में हम लोग इंडिया जीतने वाला है, उसका जश्न भी हम यहाँ मनाने वाले हैं, तो सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। हाय हेलो, दिस इज़ खुशबू, हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी मिस्टर हैरी सर एंड रहमान सर, हैप्पी ईद ऑल ऑफ यू, थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इशरत पठान। मैं आज इस खुशी के मौके पे एहसान रेहान के यहाँ फंक्शन में आए हैं और इस प्यारे से मौके पे जो रमज़ानों के एक महीने के बाद हमें ईद का जो एक दिन मिलता है, उस प्यारे से उस एक दिन में हम सारी खुशियाँ और सभी लोगों को ये बोलना चाहते हैं कि इस पावन मौके पे और इस पवित्र मौके पे, ईद के मिलन पे, हम सभी घुल मिल के इस त्यौहार को मनाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलजुल के, और ढेरों शुभकामनाएं इस ईद की बधाई पे मैं देना चाहूँगी एहसान रेहान जी को, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एहसान भाई को ईद की बहुत बहुत मुबारक, आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक, हम सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक। काफ़ी अच्छा पर्व है, काफ़ी अच्छा त्यौहार है, भाईचारा होना चाहिए, प्रेम का संदेश देता है ईद, और मेरी बेस्ट विशेष सबके साथ में है। एहसान भाई को पर्टिकुलरली थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग अस एंड होस्टिंग दिस ग्रैंड इवेंट। सो विश ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ अस अ वेरी हैप्पी ईद एंड ऑल द बेस्ट, दैट्स ऑल आई वुड से। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट टू एवरीबॉडी, टू एंटायर फैम जैम, एंड थैंक यू एहसान फॉर इन्वाइटिंग मी, एंड ईद मुबारक टू एवरीबॉडी, इंशाल्लाह, थैंक यू। I just want to wish everybody happy Eid. As you know, we just came across Eid, and abhi bhi dil mein Eid wali feeling hai because of Rehan. And Rehan ne hume Eid se bahar nahi aane diya because he is a great man, and I'm very very grateful. I met him after I think more than a year, but I felt that I met him every day. Thanks to him and thanks to everybody who's here. I can see many faces, many people who I know, and it's actually a Milan party. So this Milan is not just for me and Rehan and some friends, many new friends I just made in just a few minutes. I'm very glad, and thanks to all you guys. Thank you very much. Eid Mubarak once again, and we will welcome the next Eid with wholeheartedly with Rehan and all my friends. Thank you very very much. एहसान रेहान भाई के लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स मैं कहना चाहता हूँ कि आज सबसे बड़ी बात है कि ईद मिलन पार्टी रखी है और हमारे सारे मीडिया और हमारे फ्रेंड्स सारे आए, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अकेला और रह रहा हूँ तो दोनों दोस्त खड़े सामने, तो वो साथ में आ जाएगी तो और जान में जान आ जाएगी,
प्लीज दोनों दोनों अकेले अकेले नहीं, हेलो दोनों दोनों हेलो। तो मेरे दोस्त बटालियन 609 सुपरस्टार मेरे साथ में है और मैं चाहता हूँ कि और तरक्की करें और मैं चाहता हूँ कि आज की जो इस इवेंट में है और सक्सेसफुल उनको कुछ और फिल्म मिल जाए, मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ। और आप सब लोगों के लिए हमेशा मैं तारीफ़ काबिल आप सब लोग, क्योंकि हमेशा आप मीडिया रहती है मेरे सामने और मुंडे जी और हमारे दोस्त सब लोग साथ में रहते हैं, तो हमेशा आपका शुक्रगुजार करते हैं हम लोग। इसी तरह से आपका प्यार मिलता रहेगा हमें और हम आपके सामने आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। और मैं स्टार नहीं हूँ यार, आई एम एन एक्टर एंड आई वॉन्ट टू रिमेन एन एक्टर। बट ये मेरे बड़े भाई हैं तो तारीफ में दो शब्द कह देते हैं तो अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। कर मेरे मन को किया तुमने क्या इशारा, बदला ये मौसम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। चीयर्स गाइस, हैप्पी। तो एक एक करके बोलेंगे, आज तीन खुशी एक साथ हुई है। एहसान भाई एहसान भाई का ईद मिलाद प्रोग्राम इंडिया में जीत रही है। वापस से बोलते हैं। अच्छा ठीक है, आज तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। एहसान भाई की ईद पार्टी है, बारिश हो रही है, एंड ऑब्वियसली इंडिया इज ऑल्सो विनिंग द मैच एनीहाउ। इट्स अमेजिंग, इवन द पार्टी इज अमेजिंग, यू आर एंजॉयिंग इट वेरी मच। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।